ओके हेलो सी वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पे हम हमारी कंप्यूटर सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं तो देखिए कंप्यूटर के अंदर मैं आपको ऑलरेडी थ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ जिसके अंदर हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली है जिसके अंदर हमने कंप्यूटर पे डिस्कशन ले लिया कंप्यूटर मेमोरीज पे डिस्कशन ले लिया और कंप्यूटर लैंग्वेजेस पे डिस्कशन ले लिया ओके अब आज हम हमारे लेक्चर को आगे कॉन्टिन्यू करते हैं हमारे फोर्थ लेक्चर पे और आज के फोर्थ लेक्चर का टॉपिक भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज आपने देखना है कि आपके कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप यूज करते हैं वो कौन से प्रिंसिपल बेस्ड है, ओके? तो अब देखो प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डायरेक्टली एक्सप्लेन करने से पहले हमको क्या समझना चाहिए कि ये प्रोग्रामिंग क्या होती जब हम प्रोग्रामिंग समझेंगे, तभी तो हम उसके को बात करेंगे. तो सबसे पहले अगर आपको पे भी ये पूछी जाती है तो अगर दो तीन मार्क्स प्रिंसिपल पे बात कर लीजिए क्योंकि इतना पोर्शन आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है अदरवाइज अगर ज्यादा मार्क्स का आप क्या करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सप्लेन करेंगे ठीक है तो मैं क्या करती हूँ पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ हम लोग पर्टिकुलरली प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाएंगे ठीक ठीक है 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 तो 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 देखो तो देखो देखो स्टार्ट करते हैं लेक्चर लेक्चर को सबसे पहले आप ये चीज समझिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो देखो ना मैंने आपको जैसे थर्ड पे भी बताया था हमने थर्ड लेक्चर पे क्या डिस्कस की थी हमने थर्ड लेक्चर पे डिस्कशन दिया था कंप्यूटर लैंग्वेज पे तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्या है एक टाइप की कंप्यूटर लैंग्वेज तो है हमने क्या देखा था थर्ड लेक्चर पे मैं वापस से आपको रिपीट करती हूँ हमने देखा था कि जो आपकी

थोड़ा था roughly बता देती हूं कि computer language क्या होती है I think आपको third lecture देखना चाहिए तो मैं बोल देती हूं, computer language क्या होती है है ठीक देखो मुझे अगर आपको कुछ चीज बतानी है, कुछ चीज एक्सप्लेन करनी है आप तक कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो मुझे क्या करना होगा आपके साथ क्या करना होगा कम्युनिकेट करना होगा ठीक है अब कम्युनिकेशन कैसे होगा अगर कम्युनिकेशन अगर पॉसिबल है तो हम हमारा किसके थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल है एक लैंग्वेज के थ्रू मतलब अगर मुझे आपके साथ कम्युनिकेट करना है तो हम दोनों को एक कॉमन लैंग्वेज आनी चाहिए अगर मुझे हिंदी आती है तो आपको भी हिंदी आनी चाहिए तभी जाके हमारे बीच में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होगा जो मैं बोल रही हूँ वो आपको समझ में आएगा अदरवाइज अगर मेरे को हिंदी आती है आपको हिंदी नहीं आती है तो आप चीजें नहीं समझ पाओगे हमारे बीच में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा या फिर हम बोल सकते हैं हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो हम क्या बोलते हैं सेम चीज है कि अगर हमने क्या है हम आपस में

एल्गोरिथम एंड द एलगोरिथ्माटा स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है बोल रहा है ये बोल रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक टाइप का नोटेशन है नोटेशन मीन्स क्या हुआ नोटेशन मतलब हुआ सिंबल और साइन ठीक है तो हम बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है एक टाइप का नोटेशन है किसका नोटेशन है एल्गोरिथम का एल्गोरिथम मतलब क्या हुआ एक टाइप के एल्गोरिथम को आप ऐसे समझ सकते हो ये एक टाइप का सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन है मतलब हमें कुछ रूल और रेगुलेशन दिए जाएंगे जिसके थ्रू और उन्हीं का नोटेशन क्या है हमको क्या बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है यानी कि एल्गोरिथम मतलब क्या होता है सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन और उसी का अगर हम लोग नोटेशन बनाएंगे उसी को हम अगर एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और सिंबल के थ्रू उसी सिंबल्स के थ्रू अगर हम कम्युनिकेट करेंगे बाय उसको एज अ लैंग्वेज की तरह यूज करेंगे तो उसको बोला जाता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके तो ये बोल रहा है ए नोटेशन ऑफ अ एल्गोरिथम एंड डाटा स्ट्रक्चर डाटा स्ट्रक्चर मतलब कुछ स्ट्रक्चरल

लैंग्वेज एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज एवोल्यूशन क्राइटेरिया यानी कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के को एवोल्यूट करने के लिए क्या क्राइटेरिया इसका एवोल्यूशन करने के लिए क्या क्राइटेरियाज हैं तो चार क्राइटेरियाज रहते हैं एक होता है रेडेबिलिटी एक होता है राइटेबिलिटी एक होता है राइटेबिलिटी एक होता है कॉस्ट ठीक है अब ये होती क्या इनको आप सिंपली डिफाइन कर देंगे एक छोटी सी डेफिनेशन के थ्रू तो आप क्या बोलेंगे रेडिबिलिटी मतलब क्या हुआ द एज विथ विच द प्रोग्राम कैन बी रीड एंड अंडरस्टूड तो वो एज के बारे में बोल रहे हैं जहां पे आपका कोई भी प्रोग्राम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप रीड कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसी को बोला जाता है उसकी रीडेबिलिटी ओके

वट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ये हमने अब डिस्कस करना है जो कि काफी आसान है सुनेगा ये पॉइंट टू पॉइंट आपको बोल रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट भी सिंपल आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिंपल होनी चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए इजी टू लर्न होनी चाहिए और इजी टू यूज यानी कि आप इसे आसानी से यूज कर सके आसानी से लर्न कर दे ऐसी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होनी चाहिए और हैविंग ए गुड रेडेबिलिटी इनमें क्या होनी चाहिए गुड रेडेबिलिटी होनी चाहिए रेडेबिलिटी मतलब हमने क्या बोला था कि ये इजी टू अंडर

एक मिनट ये, ये बोल रहा है पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोला गया अगला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है ने... तो देखो ये क्या बोल रहा? ये बोल रहा है ये बोल रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बी हाई तो ये बोल रहा है जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं इनकी एफिशिएंसी क्या होती है ज्यादा होती है जिस वजह से आप क्या कर सकते हो लिखा हुआ है, okay? so मतलब है? है, है दैट तो इनकी हायर एफिशियंसी होने की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे आप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्या है इजिली क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू अ मशीन कोड अब इनमें मशीन कोड में इजिली कन्वर्ट करने का क्या मतलब है तो देखिये फर्स्टली आप समझो मशीन कोड मतलब

आसानी से मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर आप इसे इस सिंपल से कोड में जीरो और वन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप इन जीरो और वन दो कोड के थ्रू आसानी से क्या है किसी भी पीसी के साथ कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं ठीक है नाव आगे क्या बोल रहा है सुनेगा नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है बोल रहा है ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड बी अ वेल स्ट्रक्चर्ड आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए अच्छी खासी वेल well स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए और वेल well डॉक्यूमेंटेड भी होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए तो यहाँ पर लिखा है दैट इट इज फॉर द एप्लीकेशन डेवलपमेंट ठीक है ताकि ये क्या है सुटेबल हो किसके लिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए ठीक है नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं पूरा तो द नेसेसरी टूल फॉर द डेवलपमेंट डिबैकिंग टेस्टिंग एंड द मेंटेनेंस फॉर अ प्रोग्राम या फिर ऑफ अ प्रोग्राम मस्ट बी प्रोवाइडेड बाई अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है तो ये क्या हो रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको क्या है आपके कुछ नेसेसरी टूल्स प्रोवाइड करने चाहिए किसके लिए आपके प्रोग्राम के मेंटेनेंस के लिए डेवलपमेंट के लिए डिबैगिंग के लिए एंड टेस्टिंग के लिए नाउ लास्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड बी प्रोवाइड अ सिंगल एनवाट नोन एज अ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्या है क्या प्रोवाइड करना चाहिए सिंगल एनवायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जिसे आप क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए ठीक है तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज आप किसके लिए लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए लिखेंगे नाउ अब हम लोग अपने प्रॉपर टॉपिक पर आ जाते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के प्रिंसिपल्स क्या है ओके okay. तो देखो प्रिंसिपल क्या बोल रहा है सुनने का मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करवाती हूँ दूसरा ले लेते हैं

प्लस करके लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से इसका मतलब क्या हुआ देखो कन कैटिनेटिंग ऑफ प्रिंसिपल मतलब जब आप क्या है प्रिंसिपल तो ये है आपके जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये भी क्या है बहुत सारे प्रिंसिपल से आया हुआ है या फिर आप बोल सकते हो तो तो ये, प्र, ये, ये जो प्रिंसिपल है ये क्या है अपने अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल को क्या करता है फॉलो करता है ठीक है अब आगे पॉइंट क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट पे बोल रहा है लिखा हुआ है इट इट इज इज मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है तो ये बोल रहा है इट इज द फंडामेंटल नॉर्म्स ये क्या है एक टाइप के फंडामेंटल नॉर्म्स हैं ठीक है एक टाइप के फंडामेंटल वैल्यूज हैं एक टाइप के फंडामेंटल रूल्स हैं और एक टाइप के फंडामेंटल रेगुलेशंस हैं जिनका यूज कहां किया जाता है तो यहां पे लिखा है दैट आर यूज्ड क्यों किया जाता है टू रिप्रेजेंट क्या करने के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए क्या रिप्रेजेंट करने के लिए कि व्हाट इज डिजायरेबल एंड पॉजिटिव फॉर एनी टास्क यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क की अगर आप बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टास्क में क्या चीज डिजायरेबल है क्या चीज पॉजिटिव है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसका यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं जो की एक टाइप की क्या फंडामेंटल नॉर्म्स है वैल्यूज है रूल्स एंड रेगुलेशन है इतनी चीज क्लियर आई अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है देखो काफी सिंपल सिंपल से पॉइंट है ठीक है अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है

आ जाता है जिसका गवन क्यों किया जाता है टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन यानी कि इंस्ट्रक्शन को कम्युनिकेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है किसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए टू है मशीन और पर्टिकुलरली कंप्यूटर तो वहीं पर हम आ गए जहां से हमने शुरू किया था हमने क्या बोला था अगर हमने किसी मशीन के साथ कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमको क्या एक प्रॉपर लैंग्वेज आनी चाहिए तो वही चीज आपको बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है प्रिंसिपल क्या होना चाहिए आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि जिसके थ्रू हम लोग क्या है किसी भी मशीन uh, के साथ पर्टिकुलरली कंप्यूटर के साथ क्या कर रहे हैं कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वही चीज तो आपको यहाँ पे बोल रहा है ये क्या बोल रहा है ये बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ रूल्स प्रिंसिपल क्या बोल रहा है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कि ये एक टाइप का सेट ऑफ रूल्स है एक टाइप के सेट ऑफ नॉर्म्स है जो कि क्या और इसके साथ आप बोल सकते हैं वैल्यूज है रूल्स है रेगुलेशंस है, है ये भी आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि तो गवर्न करता है जिसका आप यूज कहाँ करते हैं टू कम्युनिकेट कम्युनिकेट करने के लिए क्या कम्युनिकेट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को कम्युनिकेट करने के लिए जो आप बात पहुंचाना चाहते हैं उसको कम्युनिकेट करने के लिए ठीक है किसके साथ टू है मशीन मशीन के साथ, साथ ठीक है किसके लिए और मशीन में भी कौन आपकी पर्टिकुलरली आपका कंप्यूटर क्योंकि आप कंप्यूटर यूनिट को पढ़ रहे हैं तो हमने क्या बोला और यहाँ पर को ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए कि किस कि टाइप की इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे पास करा सकते हैं तो यहाँ पर लिखा है हाई लेवल इंस्ट्रक्शन एंड द असेंबल लेवल इंस्ट्रक्शन तो ये हाई लेवल इंस्ट्रक्शन और असेंबल लेवल इंस्ट्रक्शन क्या है एक मैंने आपको हाई लेवल इंस्ट्रक्शन जो हाई लेवल इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आप यूज करते हैं और असेंबल लेवल इंस्ट्रक्शन क्या होती है जब आप लो लेवल पढ़ते हैं तो लो लेवल में आपको दो टाइप मिलते हैं एक मशीन टाइप एक असेंबल टाइप तो उसी असेंबल लेवल इंस्ट्रक्शन की बात यहाँ पे की जा रही जो मैं आपको थर्ड लेक्चर पे पढ़ा चुकी हूँ okay? तो आप सिंपली क्या बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या एक टाइप का सेट ऑफ रूल्स होते हैं नॉर्म्स होते हैं वैल्यूज होते हैं रेगुलेशन होते हैं जिनका गवर्न किया जाता है जिनको फॉलो किया जाता है किस लिए कम्युनिकेट करने के लिए किसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए किसी मशीन के साथ पर्टिकुलरली कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए और क्या कम्युनिकेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन को कम्युनिकेट कम्युनिकेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन मतलब जो आप इंफॉर्मेशन पास कराना चाहते हैं और इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे दो टाइप दिखाई है हाई लेवल इंस्ट्रक्शन और असेंबल लेवल इंस्ट्रक्शन और ये चीज मैं आपको कहां पढ़ा चुकी हूँ थर्ड लेक्चर पे पढ़ा चुकी हूँ तो बस यही चीज आपने करनी है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इतनी चीज आई तो छोटा सा टॉपिक था ठीक है तो अभी इस लेक्चर को फिनिश करते मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे तब तक बाय बाय